चार साल की उनकी मेहनत है, चार साल की मेहनत दिन रात करते हैं और 10 लाख रुपए में नरेंद्र मोदी जी के जो मंत्री है उनके खास लोग 10 लाख रुपए पेपर भेज देते हैं। कश्मीर में क्या खामियां है, क्या कमियां लग रही है? अग्निवीर को भी लेके युवा कांग्रेस पूरी तरह से विरोध करता आ रहा है, हमेशा से विरोध करता रहा है। मोदी जी यहाँ पर अग्निवीर को लेकर के बस 4 सालों में उन्हें रिटायरमेंट करने की बात कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है, इसलिए हम विरोध करना चाहते हैं। यहाँ पर पूरा नीट और UGP की परीक्षा को रद्द करते हुए 50 लाख स्टूडेंट का भविष्य को खिलवाड़ कर रहे हैं। सबको लड़ना होगा इन चोरों से, आने वाले युवाओं के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो। अगर नीट को समाप्त कर देना चाहिए, इससे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, छात्राओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सटीक खबरों का सीधा असर आप देख रहे हैं NCR समाचार, खबर भी असर भी। और आप देख रहे हैं NCR समाचार। आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीरें लगातार यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पेपर लीक मामले में यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और संसद का घेराव करने वाले ये दो मुद्दे लेकर यहाँ पर आए, एक तो नीट पेपर लीक और एक अग्निवीर। और जैसे कि आपने देखा कि लोकसभा में प्रतिपक्ष अपनी तरफ से पूरा कह रहे कि हम जनता की आवाज उठा रहे हैं, यहाँ पर पूरा विपक्ष नीट और अग्निवीर को लेकर आवाज उठा रहा है। यहाँ पर कुछ कार्यकर्ताओं से बात करना चाहेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं आप, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जिस प्रकार 24 लाख युवाओं के साथ आप देख रहे हैं कि 4 साल की उनकी मेहनत है, 4 साल की मेहनत दिन रात करते हैं और 10 लाख रुपए में नरेंद्र मोदी जी के जो मंत्री है उनके खास लोग 10 लाख रुपए पेपर भेज देते हैं, क्या मतलब युवाओं के भविष्य का क्या मतलब रहेगा कि अगर युवा तैयारी करे और उनके साथ धोखा हो जाए? ये प्रोटेस्ट करने का क्या मकसद है, संसद घेराव क्यों करना चाहते? देखिए, यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में युवा कांग्रेस युवाओं की आवाज है और युवाओं के साथ जब जब अन्याय होगा तब तब संसद में, संसद की सड़कों पर हमारे यूथ कांग्रेस का खून बहेगा। इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि युवाओं को अकेला मत समझे, यहाँ युवाओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। अग्निवीर को लेकर भी आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अग्निवीर में क्या खामियां है, क्या कमियां लग रही है? अग्निवीर को भी लेके युवा कांग्रेस पूरी तरह से विरोध करता आ रहा है, हमेशा से विरोध करता रहा है। मोदी जी यहाँ पर अग्निवीर को लेकर के बस 4 सालों में उन्हें रिटायरमेंट करने की बात कर रहे हैं। 4 साल में आप उन्हें क्या कर रहे हैं, खुद रोजगार? आपकी क्या मांग है? हमें, हमारी युवा कांग्रेस की शुरू से यह मांग रही है कि अग्निवीर को रद्द किया जाए। अभी नीट एग्जाम को लेकर भी हम लोगों की मांगे है। अग्निवीर 4 साल से 10 साल कर दिया जाए? अग्निवीर 4 साल से 10 साल वाली बात नहीं है, अग्निवीर को रद्द किया जाए हमारी मांग यही है। अभी हमारी मांग यही थी कि अग्निवीर को फिलहाल रद्द किया जाए। हमारी गवर्नमेंट आएगी, अगर इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट आती है तो हम अग्निवीर को रद्द करेंगे, हमने यही कहा था। क्या कहना चाहेंगे, क्यों विरोध कर रहे हैं आप? ये पेपर लीक कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है, इसलिए हम विरोध करना चाहते हैं। जमीन पे कार्रवाई चल तो रही, कमेटी बिठा दो। कुछ कार्रवाई नहीं चल रही है, जिससे जिस प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए, उसने देश के शिक्षा मंत्री की शपथ दिलवाई है कल और उनको इस्तीफा दिलवाना चाहिए, उनको इस पर शर्म आनी चाहिए। बच्चों के खिलवाड़ कर रहे हैं फ्यूचर से और सारे के सारे पेपर या तो लीक हो चुके हैं या तो कैंसिल हो चुके हैं। क्या बच्चों का जो भविष्य है वो इनके लिए कोई मायने नहीं रखता? क्या ये बच्चों के भविष्य को कोई मायने नहीं रखना चाहते? देश हमारा इंडिया देश, ये जो हमारा इंडिया देश है, सबसे ज्यादा यूथ है इसमें, तो इनकी नजर में यूथ कोई वैल्यू नहीं है, बस वोट देने के लिए इनको आ गया है। तो यही हमारी मांग है, जो देश के शिक्षा मंत्री है पहली बात तो इस्तीफा दे, प्रधानमंत्री क्षमा मांगे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जिंदगी में आज तक इन्होंने करी नहीं है। कहाँ होगी एनडीए की सरकार, पहले भी थी अब भी है, एनडी के तो क्या हो गया, लेकिन ये इसी के विचारधारा से तो जुड़े हुए लोग हैं, तभी तो इनको साथ दे रहे हैं। अगर इनकी विचारधारा से नहीं जुड़े हुए होते, अगर गलत का साथ नहीं देना चाहते, तो इनकी सरकार गिरा के राहुल गांधी जी का साथ दे के इंडिया की सरकार बनवाते ना। किसने रोका इनको, क्यों रुक चुके हैं, क्यों गलत का साथ दे रहे हैं? झूठे झूठे मोसे भाई होते हैं, कुछ सच का साथ नहीं देते, झूठ बोलते हैं, और ये झूठ बोलने के जो भी इनके साथ हो झूठ का साथ दे रहे हैं इनका। चोर चोर मोसेरे भाई, ऐसे नीतीश कुमार TDP के जितने भी लीडर हैं वो झूठ के साथ नहीं दे, झूठ का साथ दे रहे हैं, सच का साथ नहीं दे रहे हैं। इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं आप? मैडम, यहाँ पर पूरा नीट और UGP की परीक्षा को रद्द करते हुए 50 लाख स्टूडेंट का भविष्य को खिलवाड़ कर रहे हैं, इसलिए हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा।
मैडम आप कांग्रेस के टाइम में इस टाइप का लीक नहीं हुआ है, क्राइम पेपर लीक हुआ है, ये सब इनके मुद्दे हैं, यही ये सब इनके चल रही है। ये झूठों की सरकार है, इनको सच बोलना नहीं आता है, इनको झूठ बोलना आता है। देवेंद्र प्रधान जो है वो लगातार कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई चलेगी। मैडम कार्रवाई करे तो आज आज 50 लाख स्टूडेंट का भविष्य पूरे अंधेरे में है, आज उसकी जवाबदारी पड़ेगा। एक एक भविष्य अपना पैसा जोड़ के पैसा जोड़ के अपनी पढ़ाई करता है। इन लोग ने पूरा एक एक साल, ये पहले ईवीएम हैक करते हैं, आज पेपर हैक करते हैं, ये पूरी इनकी सरकार हैकिंग की सरकार है और कुछ नहीं है। धन्यवाद। हम आपको साफ शब्दों में बता देना चाहते हैं, पहले हमारे पुरखों ने लड़े थे गोरों से, अब हमें नौजवानों को, आपको, हम सबको लड़ना होगा इन चोरों से। आने वाले युवाओं के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो। अगर आप सब चाह लेंगी, हम सब चाह लेंगे, तो शायद ऐसा कभी ना हो। जो ये भाजपा की सरकार है ना, गुंडों की सरकार है, काफिलों की सरकार है, एनडीए की सरकार है, लंगड़ों लूलों की सरकार है। ये सरकार में अगर जिस तरीके की धांधली पेपरबाजी चल रहा है, मैम आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, मीडिया वाले से बेहतर कोई नहीं जानता। आप जानती हैं कि जिस स्थिति से आज हमारा देश गुजर रहा है, लोगों के लिए खाने के लिए नहीं है, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए नहीं है, और कहीं गरीब घर का लड़का पढ़ के अगर पास हो जाता है तो पेपर लीक कर दिया जाता है। उन माँ बापों से जाके पूछो मैम, सांसद ग्रह जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी, जब तक हमारे खून से एक एक कतरा खून बह नहीं जाएगा, हमारा सांसद ग्राम। इस तरीके से ये घोटाला किया है मोदी सरकार की तरफ से, ये जो घोटाला हुआ है इसका युवा कांग्रेस पूरी ताकत से विरोध करती है और चाहती है ये जो गुनहगार है ये सब जेल में जाए और दोबारा ये परीक्षा हो ताकि युवाओं को न्याय मिल सके। इसकी लड़ाई के लिए हम लोगों को जेल जाना पड़े। मैडम नीट को समाप्त कर देना चाहिए, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, छात्राओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और क्या कारण न्याय है, ये मोदी की नीति है, मोदी की नीति को हटाना पड़ेगा। सबसे ज्यादा दोषी किसे मान रहे हैं? जी मैम, जी मैम, पेपर लीक में दोषी किसे? मोदी सरकार को मान रहे हैं, मोदी सरकार को मानते हैं। कहीं ना कहीं युवाओं के साथ जो छल कपट हुआ इसमें मोदी सरकार का घोटाला है, ये मोदी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। हजारों हजार युवा आज यहाँ पर आए हैं अन्य सभी प्रदेशों से, आज हमारे साथ सभी प्रकार के लोग यहाँ मौजूद है, छात्र हमारे साथ है, छात्र युवा अपना आक्रोश दिखाना चाहते हैं मोदी जी के खिलाफ। इस प्रदर्शन से सुनेगी मांगे? सुनना पड़ेगी, हमारी सुनना ही पड़ेगी, क्योंकि अब हम जो है सड़क से लेकर संसद तक पहुंच चुके हैं। ये युवाओं के साथ महाघोटाला है, पूरी के पूरी युवाओं की जो एक पीढ़ी है वो खत्म हो चुकी है इनके नीट घोटाले और इनके शिक्षा घोटाले के कारण। इनको देश का युवा बिल्कुल माफ नहीं करेगा। युवा कांग्रेस के आज हजारों साथी युवाओं के भविष्य की लड़ाई को आज दिल्ली में जंतर मंतर में लड़ रहे हैं श्रीनिवास जीवी के नेतृत्व में। सभी युवा कांग्रेस ही कार्यकर्ता यहाँ पर धरना, यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं अग्निवीर और नीट पेपर लीक को। जिस तरीके से भाजपा सरकार में लगातार पेपर लीक मामले हो रहे हैं, पहले नीट का पेपर लीक हो जाता है, फिर एनईटी का पेपर लीक हो जाता है, और यहाँ पर देखिए बातचीत करने की यहाँ पर लगातार बैरिकेडिंग में ये लोग चढ़े हुए हैं। ये संसद का घेराव भी करने वाले कुछ ही देर में, पर देखना यही होगा क्या पुलिस कर्मी इन्हें संसद का घेराव करने देंगे, ये बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, क्या पेपर लीक जो है ये रुकने वाले हैं? यहाँ पर देखिए तमाम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए पेपर जिस तरीके से उड़ाए जा रहे हैं और स्क्रैप रीनीड की भी यहाँ पर मांग हो रही है, पर देखना यही होगा कि सरकार इनकी मांगे सुनती है और कमेटी अगर बैठती है तो कमेटी में क्या क्या बातें और क्या क्या जो है धारणाएं जो मानी जाएंगी, क्या क्या मांगे मानी जाएंगी, ये भी बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर एक देखिए पूछने की कोशिश करेंगे यहाँ पर ये बेरोजगारों की सरकार है, बेरोजगार जो छात्र एक एक दो दो साल तक नीट का एग्जाम की परीक्षा की तैयारी करते हैं, जो गरीब माँ बाप अपने बच्चों को बाहर ट्यूशन नीट के एग्जाम की परीक्षा की तैयारी करवाते हैं और जब वो स्कूल कॉलेज गेट पर नीट का एग्जाम दे जाते हैं उन्हें पता लगता है कि पेपर लीक हो चुका है। ये सरकार वीक है और पेपर लीक है, ये सरकार को बेचने को कुछ नहीं बचा, पेपर बेच रही है लीक कर। पहले इन्होंने चाय बेची, अब युवाओं का भविष्य बेच रहे हैं, फेस पर बेच रहे हैं। जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देगा तब तक यूथ कांग्रेस पूरे भारतवर्ष में संघर्ष करेगी।
शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं? बिल्कुल। चलिए देखिए, अब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी मांग रहे हैं और रीमेट की मांग हो रही है, पर देखना यही होगा कि सरकार एनडी की सरकार इस पर कब तक एक्शन लेगी। यहाँ पर शिक्षा मंत्री लगातार कह रहे कि इस पर जांच कमेटी बिठाई जाएगी और जिन पेपरों का, जिन बच्चों का भविष्य खराब हुआ है उन पर भी कार्रवाई होगी। हालांकि यहाँ पर आरोपी भी पकड़े गए, पर देखना यही है कि कब तक युवाओं का भविष्य के साथ इसी तरीके से यह सरकार खिलवाड़ करेगी, बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ नितेश रामंगवाने, आप तमाम तस्वीरें जंतर मंतर की देख रहे हैं यहाँ पर।